हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर, जैसा कि हम लोग कल परसों से पढ़ रहे थे आपसी संबंध। अब इसी आपसी संबंध को विकसित करने के लिए कुछ जीवन कौशल बताए गए। जीवन कौशल, आइए पढ़ते हैं जीवन कौशल। ये जीवन कौशल हैं क्या? हमें अच्छे से जीवन, सही ढंग से जीवन जीने के लिए हमारे अंदर कुछ कुशलताएं होनी चाहिए, कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। उन योग्यताओं को विकसित करने के लिए हमारे अंदर उतना चिंतन होना चाहिए, वो क्षमता होना चाहिए, अच्छे से व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए, समस्याओं को समाधान करने की क्षमता होनी चाहिए। इन्हीं कौशलों को कहा जाता है जीवन कौशल, या छोटे शब्दों में कह दें जीवन जीने के लिए जिन योग्यताओं कुशलताओं की आवश्यकता पड़ती है उसे हम जीवन कौशल के नाम से जानते हैं। तो कौन कौन से जीवन कौशल हैं जिन्हें हम अपना करके एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, आइए देखते हैं। पहला है स्वयं के प्रति जागरूक होना। पहले लिख लेते हैं उसके बाद पर। दूसरा है स्वयं को विषम परिस्थिति में रखकर देखना। तीसरा है रचनात्मक या सृजनात्मक चिंतन करना। चौथा है समालोचनात्मक चिंतन करना। पांचवा है तनाव से लड़ना। छठवां है सही निर्णय लेना। सातवां है प्रभावी संप्रेषण। आठवां है सभी के साथ स्वस्थ व्यवहार करना। स्वस्थ व्यवहार करना। नौवां है भावनाओं पर नियंत्रण। और दसवां है समस्या समाधान करना। ये हमारे 10 जीवन कौशल हैं। तो हमने क्या देखा कि जीवन कौशल क्या है? जीवन जीने के लिए हमारे अंदर कुछ कुशलताएं होनी चाहिए, कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, कुछ क्षमताएं होनी चाहिए,
या कुछ कार्य करने की विधि होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं जीवन कौशल। तो ये जो जीवन कौशल हैं, ये हमारे 10 प्रकार के हैं, या इन 10 बिंदुओं को अपना करके एक हम अच्छा जीवन जी सकते हैं या एक अच्छा जीवन निर्माणकर्ता बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं और एक एक करके समझते हैं। स्वयं के प्रति जागरूक होना, हमें हमारे अंदर कितनी क्षमताएं हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें बुरी हैं, इसको करने से हम आगे बढ़ेंगे, ये करने से हम पीछे रह जाएंगे, अर्थात कहने का मतलब इस चीज़ में क्या सच्चाई है, इसके पीछे क्या बुराई है, इस प्रकार क्या करें हम अपने प्रति जागरूक बने कि हम इस विषय के बारे में कितना जानते हैं कितना नहीं जानते हैं। तो इसे हम कहते हैं स्वयं के प्रति जागरूक होना, कि पहले अपने प्रति हम जागरूक हो जाएं कि हम इस विषय वस्तु के बारे में क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं। झूठे अंधविश्वास और भ्रम में ना पड़ें और किसी की सुनी सुनाई बातों पर जल्दी विश्वास ना करें। तो इसे हम कहते हैं स्वयं के प्रति जागरूक होना, उसके प्रमाण की जांच करके हम उस पर विश्वास करें। दूसरा है स्वयं को विषम परिस्थिति में रख कर देखना। विषम परिस्थिति मतलब अगर आज सुख है तो हम दुख की परिस्थिति में रख कर देखें, अगर आज दुख है तो हम सुख की परिस्थिति में देखें। तो कहने का मतलब ये है, जब हम विपरीत परिस्थिति में अपने आप को रख करके देखेंगे तभी हमारा वो जीवन जिसके बारे में हम सोचते हैं वो उभर करके सामने आएगा कि हम कितना सोच सकते हैं अपने बारे में, अपनों के बारे में, अपने समाज के बारे में कितना सोच सकते हैं। तो स्वयं को विषम परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में रख कर के देखें। इसका कहने का मतलब स्वयं को कठिन परिस्थिति में रख कर के देखें, अर्थात स्वयं को दुख की परिस्थिति में रख कर के देखें। दुख में ही आदमी क्या होता है, निखरता है। दुख में ही आदमी का असली व्यक्तित्व तो सामने आता है। दुख में ही आदमी की क्षमताएँ और योग्यताएँ पता लगती हैं। तो क्या है, स्वयं को विषम परिस्थिति में रख कर देखना। तीसरा है रचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन करना। इसका कहने का मतलब ये है, किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए केवल एक ही दृष्टिकोण से ना सोचना, चिंतन करना, बल्कि एक से अधिक भिन्न भिन्न नए नए तरीके से सोचना विचारना क्या कहलाता है, रचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन कहलाता। तो क्या करें हम, हमारे ऊपर समस्याएं आए तो हम क्या करें, भिन्न भिन्न तरीके से, नए नए तरीके से उन समस्याओं के बारे में सोचें, इसे कहेंगे हम रचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन। चौथा है समालोचनात्मक चिंतन करना। इसका मतलब ये है कि किसी भी विषय वस्तु के गुण और दोषों को समझते हुए उसके बारे में सोचना समालोचनात्मक चिंतन कहलाता है। समालोचना का मतलब है आलोचना, बुराई तो करना लेकिन बराबर की बुराई करना, मतलब कितना इसमें दोष है कितना इसमें गुण है, इसको देखते हुए सोचना और विचारना कहलाता है समालोचनात्मक चिंतन। पांचवा हमारा है तनाव से लड़ना। तनाव से लड़ना मतलब हमारे अंदर डिप्रेशन आ गया है, तनाव आ गया है, हम बहुत दुखी हो गए हैं, ऐसा लग रहा हमारे जीवन में कुछ नहीं। तो इस प्रकार की स्थितियां क्या करती हैं, हमारे मस्तिष्क को हमसे खींचती हैं, अर्थात जोड़ने का काम नहीं करती। हमारा मस्तिष्क कभी कभी क्या होता है, इस तनाव में फंस करके विभिन्न कठिनाइयों में फंस जाता है। तो हम क्या करें, इस तनाव की स्थिति को, खिंचाव की स्थिति को, मस्तिष्क की खिंचाव की स्थिति से लड़ें और उसे नॉर्मल करने की कोशिश करें। और छठवां हमारा है सही निर्णय लेना। ये बहुत ही आवश्यक होता है कि जो हमारे अंदर परिस्थितियां आती हैं उसमें हम कैसा निर्णय ले रहे हैं, उस परिस्थिति के साथ खड़े हैं या उस परिस्थिति से भाग जा रहे हैं। तो ये बहुत ही एक तरह से कहा जाए कि बहुत ही हमारे जीवन के लिए अच्छा है कि हम सही अच्छा निर्णय ले लें। तो निर्णय लेने में हम संकोच करते हैं तो बार बार वो परिस्थितियाँ आ करके हमारे अंदर आ जाती। सातवां है प्रभावी संप्रेषण करना, अर्थात अपनी भावनाओं को
अच्छे प्रकार से, प्रभावपूर्ण ढंग से, कुशल तरीके से हम दूसरों को व्यक्त करें और दूसरे की भावनाओं को उसी प्रकार से सुने। इसे हम कहेंगे प्रभावी संप्रेषण। आठवां है सभी के साथ स्वस्थ व्यवहार, मतलब सभी के साथ स्वस्थ मतलब अच्छा व्यवहार करना। सभी के साथ हम अच्छा बर्ताव करें, अच्छे से मिले जुलें, अच्छे से रहें, सहयोग करें, हम क्या परस्पर मेल जोल स्थापित करके इस समाज में निवास करें, तो उसे कहेंगे सभी के साथ स्वस्थ व्यवहार। नौवां है भावनाओं पर नियंत्रण। कभी कभी ये होता है कि हम क्रोध की भावना में अधिक भड़क जाते हैं और दुख की भावना में इतना ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। तो इस प्रकार की परिस्थितियों के ऊपर क्या करें, हम नियंत्रण करें, जिससे हम एक अच्छा जीवन जी सकें। तो कभी कभी क्रोध में ज़्यादा भड़क जाना ये हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। कभी कभी दुख में इतना ज़्यादा लीन हो जाना कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर सकते हैं, तो उसमें हमारी क्षमताएं समाप्त हो जाती हैं सोचने विचारने। इसलिए अपनी भावनाओं को हम क्या करें, नियंत्रित करें। दसवां है समस्या समाधान करना, अर्थात कहने का मतलब हमारे ऊपर कुछ समस्याएं आ गई, कठिनाइयां आ गई, दुख आ गया, उन दुखों का डट करके हम सामना करें और दूर करने की कोशिश करें और उसे हम दूर करें। तो इस प्रकार की स्थिति को कहते हैं समस्या का समाधान करना, कि हमारे ऊपर कठिनाई आ गई, कुछ विषम परिस्थिति आ गई, तो हम उससे भागें ना बल्कि उसका खुद डट करके सामना करें और उसे दूर करने की कोशिश करें। तो ये हमारे क्या है, जीवन कौशल। एक बार फिर से क्या करते हैं, रिपीट कर लेते हैं कि ये जीवन कौशल क्या है। जीवन जीने के लिए हर मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, कुशलताएं होनी चाहिए, कार्य विधि होनी चाहिए, क्षमताएं होनी चाहिए। इस प्रकार की स्थिति को हम कहते हैं जीवन कौशल। तो ये जीवन कौशल हमारे 10 प्रकार के इस तरह से माने गए हैं। तो पहला स्वयं के प्रति जागरूक होना, कि पहले हम अपने अंदर जान लें कि हमें कितना आता है कितना नहीं आता, अपनी क्षमताओं का पता लगा लें और वस्तुओं की सही और गुणवत्ता को पता लगाएं कि ये हैं कैसे, दूसरी की सुनी सुनाई वाली बातों पर विश्वास ना करें। दूसरा है स्वयं को विषम परिस्थिति में रखकर देखना, अर्थात अपने आप को कठिन परिस्थिति में रख करके तपाना कि हमारे अंदर किस प्रकार का व्यक्तित्व है, कैसे हम इससे लड़ सकते हैं। तीसरा है रचनात्मक सृजनात्मक चिंतन करना, अर्थात विभिन्न तरीके से नए नए तरीके से सोच विचार करना। चौथा समालोचनात्मक चिंतन करना, अर्थात कहने का मतलब किसी भी विषय वस्तु के गुण और दोषों को देखते हुए सोचना विचारना समालोचनात्मक चिंतन कहलाता है। पांचवा है तनाव से लड़ना, कि हम डिप्रेशन में चले गए हैं, हमारे अंदर कठिन परिस्थितियाँ आ गई हैं, समस्याएं आ गई हैं, उस समस्याओं से क्या करें, हम लड़ें, उससे दूर ना भागें। छठवां है सही निर्णय लेना, उन समस्याओं में हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, उचित तरीके से निर्णय लें कि हम कैसे इस समस्याओं के साथ लड़ेंगे, इन समस्याओं के साथ लड़ें कि ना लड़ें, अर्थात कहने का मतलब सही निर्णय लें। सातवां प्रभावी संप्रेषण, अपनी भावनाओं को दूसरे से अच्छे प्रकार से व्यक्त करें और दूसरे की भावनाओं को उसी प्रकार से सुने, इसे कहा जाता है प्रभावी संप्रेषण। आठवां सभी के साथ स्वस्थ व्यवहार करना, अर्थात इस समाज के प्रत्येक नागरिक के साथ हमारा कर्तव्य होता है कि उत्तम व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें। नवा है भावनाओं पर नियंत्रण करें, कहने का मतलब हम ज़्यादा ना क्रोधित हों, ना ज़्यादा दुखी हों, ना ज़्यादा डरें, अर्थात कहने का मतलब यह है हम एक समान अनुकूल परिस्थितियां बना करके अपने आप रहें, इसे कहते हैं भावनाओं पर नियंत्रण या इंद्रियों को अपने बस में कर लेना। दसवां समस्या समाधान करना, कोई भी समस्या हमारे अंतर्गत आती है तो उससे हट करके दूर ना भागें बल्कि उसे समाधान करने की कोशिश करें, इसे कहते हैं समस्या का समाधान करना। तो ये हमारे जीवन कौशल थे। अगले दिन हम अगला लेक्चर पढ़ेंगे।